आपने आखिरकार आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, इससे आगे मध्य प्रदेश में आप क्या देखते हैं? और सिंधिया साहब के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाना, इसमें कांग्रेस का फेल्योर कितना देखते हैं? मैं कांग्रेस के अंदरूनी मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये लगातार आपके माध्यम से मैं एक बात कह रहा था, वैचारिकी के अवसान का क्षण है। और लोकतंत्र में जब वैचारिकी का अवसान हो तो वो लोकतंत्र के लिए अवसाद का भी क्षण होता है। हो सकता है बहुत बड़ा ओहदा मिले ज्योतिरादित्य जी को, इन कोई भी ओहदा उस बात की भरपाई नहीं कर पाएगा जो उन्होंने कांग्रेस में हासिल किया और जो उन्होंने कांग्रेस को दिया। ऐसा नहीं कि एक तरफा, जो उन्होंने कांग्रेस को दिया और जो कांग्रेस ने उनको दिया, वो अपने आप में एक ऐसी चीज है, शायद उन्हें वो हासिल ना हो। फिर भी उनको उनकी जिंदगी की नई पारी की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये अपने से लेकर तमाम लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में अगर वैचारिकी खत्म हो जाएगी ना, तो फिर इसका बहुरंगी चरित्र खत्म हो जाएगा, सब कुछ इकरंगा लगेगा। लेकिन जो उन्होंने कहा सर ज्वाइन करने के बाद, उसमें कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं रही जो हुआ करती थी, और मैं जो लोगों के लिए करना चाहता हूं वो रहकर संभव नहीं था। तो क्या कांग्रेस में बदलाव आ गया है सर? मैं तो नहीं मानता। आज उनके बयान को देखो और अभी साल भर से उनके बयानों को देखो, आज वाला बयान साल भर वाले बयानों से मेल नहीं खाता। आपने एक रास्ता चुना, ठीक है, कांग्रेस के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो और कांग्रेस उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, हम में से किसी को यह अधिकार नहीं है कि उसमें टिप्पणी करें, लेकिन आप तो कांग्रेस के टॉप चार पांच नेताओं में से थे, आपका जिक्र तो टॉप चार पांच नेताओं में आता था। रास्ता आपने अलग चुना, लेकिन मैं इस बात की कभी वकालत नहीं करूंगा कि रास्ता अलग चुनते ही आपको आपकी पेरेंट पार्टी में तमाम वो दुर्गुण नजर आने लगे जो कल तक आपको नजर नहीं आते थे, ये ईमानदारी नहीं। इस सिचुएशन से बिहार भी है, जब आपके एलआई पार्टी ने साथ छोड़ा था, अब मध्य प्रदेश में क्या लगता है, वो क्या हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो भी हो, पुरानी सरकार रहे या नई सरकार रहे, आप मीडिया के साथ ही इस बात को बेहतर समझते हैं कि लोकतंत्र के संक्रमण काल में कोई भी सरकार महफूज नहीं है। हमने तो सरकार गवाई है, हमसे ज्यादा इसका दर्द किसी को नहीं है। जनता ने हम पे भरोसा किया, रातों रात हारी हुई पार्टी सत्ता में आ गई, चाहे गोवा हो, मणिपुर हो। तो ये अपने आप में संकेत है कि जो मौजूदा भाजपा ये एक अश्वमेध यज्ञ जो करना चाहती है आधुनिक संदर्भों में, तो उससे संदेश जा रहा है, ये जीत जाएंगे तो सरकार बनाएंगे और हारेंगे तो 6 8 महीने 10 महीने में सरकार बनाने की जुगत में बैठ जाएंगे। आनन फानन में कांग्रेस चीफ को बदला गया है, डीके शिव कुमार अब वहां के अध्यक्ष हैं, और दिल्ली में भी अनिल कुमार को बनाया गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको आनन फानन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा ये शब्द आजकल अलग ढंग से यूज हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि पहले से ये चीज़ें हों और आज हम जोड़ के देख रहे हैं कि चूंकि सिंधिया जी आज शामिल हुए, जहाँ तक मैं अखबारों में देख पा रहा था तो महीने भर से ये जिक्र चल रहा था, उसकी आज परिणति हुई। और उबाल के बीच दिल्ली दंगे की दर्द कथा जो है वो कहीं थम सी गई है, आज गृह मंत्री ने सदन में उस पर अपनी बात रखी। देखिए, दिल्ली दंगों की व्यथा कथा थमी नहीं है। हमारा ये मानना है कि दिल्ली दंगे ने भारत माता की आत्मा पर, दिल पे ऐसी गहरी चोट छोड़ी है, उसकी हीलिंग में बहुत वक्त लगेगा। जब रिश्ते टूटते हैं या रिश्ते रिसने लगते हैं तो ज़रूरी होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, प्रशासन हीलिंग टच लेके जाए। हीलिंग टच का मैंने अभाव देखा और माननीय गृह मंत्री जी ने तमाम चीज़ें कही, लेकिन ये नहीं कह पाए कि उनके अपने लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। जब देश का एक कैबिनेट मंत्री गोली मारो फलाने को कहे, देश के महत्वपूर्ण नेतागण कोई करंट पहुंचा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किस बात को लेकर के? आप हो सकता हमारे आंदोलन से इत्तेफाक न रखते हो, आपका नजरिया दूसरा हो, मेरा नजरिया दूसरा, लेकिन दो डिफरेंट नजरिए, दो अलग अलग नजरियों के लिए क्या इस तरह की चीजें हो जाए? ये तो अद्भुत मुल्क है जहां कहते हैं कि जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। क्या बना रहे हैं हम इस देश को? आज हो सकता है गृह मंत्री जी आपको एहसास हो रहा हो कि इमीडिएट चीजें आपके पक्ष में हैं, गृह मंत्री जी
सामाजिक रिश्ते टूटेंगे, ताना बाना टूटेगा, भारत माता कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि भारत माता का हिसाब किताब टेलीविजन एंकर से थोड़ा अलग होता है। लेकर आज गृह मंत्री ने लोकसभा में अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि जो दंगाई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो हुआ वो अफसोस की बात है। देखिए माननीय गृह मंत्री जी के भाषण को, इंटरवेंशन को आज लोकसभा में था, कल हमारे हाउस में होगा, बहुत गौर से सुन रहा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चुनाव के बाद वो गृह मंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं है, हमारे भी गृह मंत्री हैं। उनसे आग्रह, दंगों में जो जाने गई हैं, जो सामाजिक ताना बाना टूटा, चाहे मंदिर को क्षति हुई हो या मस्जिद को क्षति हुई हो, चाहे जान हिंदुओं की गई हो मुसलमानों की गई हो, हिंदुस्तानी खून बहा है। और वो हिंदुस्तानी खून किन वजहों से बहा है उसमें मैं चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री जी ईमानदारी से बात करें। कष्ट के साथ ये कहना चाहता हूँ, चूँकि मेरे भी गृह मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री के बयान का कोई जिक्र नहीं कि उसने आबोहवा कैसे खराब की, बीजेपी के बड़े बड़े लोगों के बयानों का जिक्र नहीं, बाकी लोगों के बयानों का आपने जिक्र किया, मैं सहमत हूँ, लेकिन ये जो ओहदेदार लोग हैं इन्होंने फिजा बिगाड़ी। और क्रोनोलॉजी में थोड़ा समझाना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी को, या वो समझते भी हैं, 15 को जामिया विश्वविद्यालय पे जिस तरह की चीज़ें हुई, लाइब्रेरी को वेंडलाइज किया गया, 16 से शाहीन बाग शुरू हुआ है, और शाहीन बाग एक बार शुरू होने के बाद पूरे देश में शाहीन बाग है। क्या है ये? बाएं हाथ में काली पट्टी, दाहिने हाथ में संविधान, कांधे पे तिरंगा, और ये सबसे पूछते हैं पहचानो मेरे कपड़े से कौन हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मुझको लगता है कि शायद गृह मंत्री जी उन संवेदनाओं को नहीं समझ पा रहे। मैं सिर्फ इतना उनसे आग्रह करूँगा, अगर इस तरह की हिंसा चलती रही, माहौल में इस तरह की प्रवृत्तियाँ रही, एक मुल्क के रूप में हमारे खात्मे की इबारत लिखी जा रही है, आप चुनाव जीत जाइए, बल्कि मैं तो आग्रह करूँगा आने वाले 10 चुनाव आप जीत जाइए, लेकिन देश ना हारे। मेरा देश हार रहा है और गांधी के 150वें जयंती वर्ष में मेरा देश हार रहा है, क्योंकि आप मौत में भी सिर्फ उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो चीज़ें आपको सूट करती हैं। गृह मंत्री जी आप उस पद पे हैं जिस पे कभी पटेल हुआ करते थे, सरदार पटेल की श्रृंखला में आप हैं। एक बार ज़रूर सोचिएगा, चुनाव जीतिएगा, चुनाव हारिएगा, लेकिन ये रेसिपी देश को हरा देगी। लेकिन सर देश के करोड़ों लोगों के मन में आज की दंगे आखिर हुए क्यों? उन्होंने जो बात कही वो अपोजिशन के लीडरों की बात कह दी कि उनकी भाषणों की वजह से, और सुनियोजित था, लोग बाहर से आए अंदर से आए। अब जो जाँच होनी है, जाँच में क्या स्पष्टता इस बात नहीं होनी चाहिए? मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ, अपोजिशन के लीडर में एक व्यक्ति जो इन्हीं के साथी है, मैं ओवैसी साहब और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखता, दे आर पार्ट ऑफ द सेम बुक। वारिस पठान के अलावा किसने इस आंदोलन में, जो हमारी माँ बहनें हैं, वो तो ठंड बारिश में कोई सरोकार नहीं, और संविधान बचाना, क्या उन्होंने हिंसा की है? नो। हिंसा कौन कर रहे थे? गोली मारो फलाने को, हिंसा के लुकसाना हुआ ना, उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? 3 दिन के बाद देख लूंगा, डोनाल्ड ट्रंप को जाने दीजिए, माननीय गृह मंत्री जी के बयान में उसका क्यों जिक्र नहीं हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूँ गृह मंत्री जी आप एक बहुत बड़े पद पे हैं, आपको संकीर्ण दायरों से ऊपर उठना होगा, अन्यथा हम आपको भी शरीक गुनाह मानेंगे।